जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य अष्टोत्तरतसत श्री श्रीमाद हिज लविंग डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य अष्टोत्तरतसत श्री श्रीमाद लविंग डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। अयोध्या साकेत पुरी धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंगा गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणाललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादीं पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदः श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण। सभी भक्तों का आज के जो मंगलवार के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और आपका अमूल्य समय आज के जो कार्यक्रम में आकर आप आज यहाँ पे उपस्थित हुए हो, मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आपका सबका हृदय पूर्वक स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहाँ पे हैं? हाँ, कहाँ पे प्रवेश? वेर हैव वी एंटर्ड? अच्छा, कर दिए कि करने वाले हैं? करने वाले हैं। अच्छा प्रभु जी, हम कहाँ पे थे? अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, ओके। फिर हनुमान जी क्या करते हैं? हाँ, महेंद्रगिरी पर्वत के एकदम, हाँ, सीधा एकदम चरम सीमा में जाके खड़े हो जाते हैं। हाँ, फिर आगे का पता नहीं। हाँ, ये जो सुंदरकांड का जो पाठ है, अति सुंदर, अति सुंदर। क्यों अति सुंदर? इसलिए इसका नाम सुंदरकांड। क्यों अति सुंदर? सुंदर क्योंकि इसमें शुरुआत से लेके अंत तक यहां पे एक किरदार नहीं है, संपूर्ण पाठ में एक व्यक्ति नहीं है। जिनके नाम में ये संपूर्ण ग्रंथ बना हुआ है वो नहीं है। कौन? प्रभु राम नहीं है। ये हनुमान जी और माँ सीता का वार्तालाप है और हनुमान जी आगे जाके प्रभु राम के नाम में क्या शक्ति है संपूर्ण जगत को बताते हैं। तो हनुमान जी पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चोटी पे जाके खड़े हो जाते हैं और यहाँ वहाँ विचरण करने लगते हैं। वो पर्वत को समझते हैं, पर्वत है कैसे? दूर से देखते हैं पर्वत में बहुत सारे गंधर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस सभी आके बैठते थे। एक तरह से एक समझा जाए तो हमारे करजत, लोनावाला, महाबलेश्वर हिल स्टेशन, इसको बोलते हैं ना वीकेंड पॉइंट हिल स्टेशन में जो हॉलीडे के लिए, तो वो एक हॉलीडे पॉइंट था किसके लिए? यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब के लिए। वो देखते हैं सभी भोग विलास में एकदम ग्रस्त हुए हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ऊपर देखते हैं, समय कौन सा है? व्हाट इज द टाइम? 8:10 ना, ब्रह्म मुहूर्तम, ब्रह्म मुहूर्तम। और यहाँ पे अरुणोदय हो गया है, अभी शीघ्र ही सूर्य उदय होने ही वाला है। सूर्योदय हो ही रहा था, सूर्यदेव को वो एक प्रणाम करते हैं। अपने पिता कौन? उनके पिता कौन है? हनुमान जी के। और किसके औरस पुत्र किसके हैं? वायु के औरस पुत्र हैं। उनको प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करने के बाद सब जगह देखते हैं और अब राम का नाम लेते लेते अपना कद बढ़ाना शुरू करते हैं। He started raising his heights, लंबे एकदम ऊंचे हो जाते हैं। ऊंचे होने के बाद अपने दोनों भुजाओं से और दोनों पैर से
तीव्रता से महेंद्र पर्वत को दबाना शुरू कर देते हैं। संपूर्ण पर्वत कांपने लगता है और डगमगाने लगता है। रिक्टर स्केल 9 अर्थक्विक, आपको पता है रिक्टर स्केल 9 किसको बोलते हैं? अर्थक्विक। जब भूकंप होता है तो सभी लोग बोलते हैं कौन सा रिक्टर स्केल का भूकंप है, अगर 9 हुआ तो समझो कोई बचता नहीं है उसमें। यहां पे वो दबाना शुरू कर दिए और अपने पैरों में हाथों से और संपूर्ण पर्वत कांपने लगता है और डगमगाने लगता है। डगमगाने के समय सुबह का समय है, सभी प्राणियां वहां से भागना शुरू कर देते, चिल्ला चिल्ला के भागना शुरू। सभी पक्षियां क्या करती हैं? अपने घोंसले से घोंसला छोड़कर उड़ने शुरू कर देते। यही नहीं, जब वो उनकी तीव्रता इतनी थी, वो भगवान का नाम लेते लेते उसको हिला रहे थे पर्वत को तीव्रता से, उस समय सभी जगहों से पानियों का स्रोत बहना शुरू हो जाता है। एक जगह से पीला, एक जगह से हरा, एक जगह से काला। जैसे कभी कभार एक पाइप बर्स्ट होता है, पता है, पाइप बर्स्ट रोड में, पाइप बर्स्ट पूरा जगह पानी पानी, तो ये पानी कहाँ से आ रहा है, सब जगह से पानी। यही नहीं, ये कांपने के कारण जितने बगीचे थे, फूल के बगीचे थे, सभी वृक्ष अपने फूल के बगीचे से फूल नीचे बिखर देते हैं। थोड़े समय के लिए ऐसा मालूम हो रहा था कि ये पर्वत फूल का बना हुआ है, यानी पर्वत पूरा फूल से भरा हुआ था। ऊपर से पत्थर गिरते हैं और वहां पे नाग सर्प जो है, जो स्वास्तिक चिन्ह वाले सर्प है, जो भी पत्थर गिर रहे थे उनको डस रहे थे और डसने के कारण वो पत्थर विस्फोट हो रहा था। ये जो भी मैं बोल रहा हूं ना, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि आप भी वो सुंदरकांड में प्रवेश किए हो। जब ये संपूर्ण पर्वत कांप रहा है, उस समय जो पिकनिक में जो आए थे विद्याधर, गंधर्व और कई तपस्वी मुनि भी थे, शीघ्र ही अंतरिक्ष में चले गए, शीघ्र ही अंतरिक्ष में सीधा उड़ान। वाल्मीकि रामायण इसका बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, खास करके महर्षि वाल्मीकि। वो इतने शीघ्रता से उड़े कि जो कुछ लेके आए थे पिकनिक के लिए वहीं के छोड़कर चले, सीधा उड़ी गए। सुबह का समय था, ब्रेकफास्ट का टाइम था और खास करके वाल्मीकि जी बोलते हैं क्या क्या छोड़ के चले गए, खान पान भी छोड़ के चले गए। शायद सुबह का ब्रेकफास्ट इडली चटनी होगा, चटनी वहीं पे छोड़ के, चटनी वो है ना नाम, वाल्मीकि बोलते चटनी छोड़ के चले गए। इडली हाँ मसाला तो सब क्या क्या खा रहे थे पता नहीं, छोड़ के सीधा चला चले गए। जैसे जा रहे थे नीचे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, वो क्या समझे कि यहाँ पे भूत प्रवेश किया है, इसलिए संपूर्ण जो पर्वत कांप रहा है। जब ऊपर अंतरिक्ष में जाते हैं वहां पे खचाखच सभा भरा हुआ है, खचाखच लोगों से भरा हुआ है, सभी ऋषि मुनि सब नीचे देख रहे हैं और ये लोग ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वो जो खचाखच सभा भरी हुई है अंतरिक्ष में, उनसे पूछते हैं क्या हुआ। तो वो लोग बोलते हम आपसे पूछना चाहिए क्या हुआ, क्योंकि आप लोग वो पर्वत से आ रहे हो, आप लोग को पता नहीं कि आप लोग मेरे से पूछ रहे क्या हुआ। अरे नीचे तो देखो क्या हो रहा है, वो पर्वत में हनुमान जी अभी समुद्र उल्लंघन करने वाले हैं, बहुत दुष्कर कर्म है। उस समय सभी विद्याधर नीचे देखते, अरे हनुमान जी बैठे हैं वहां पे, और हनुमान जी ऐसे लग रहे थे कि आग के गोले के समान है, बड़ा शरीर, विशाल काय शरीर, आग के गोले के समान, और जोर से गरजना शुरू करते हैं सीताराम सीताराम। ये आवाज संपूर्ण अंतरिक्ष में, संपूर्ण पर्वत में गूंज उठता है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं क्योंकि ये सीताराम का नाम लिए जिन्होंने सुना,
बच गए। अगर कुछ और नाम लेते तो उनका कान का पर्दा फट जाता था, उतना जोरदार गर्जना था। क्योंकि सीताराम का नाम लिए उनका कान का पर्दा बच गया। उसके बाद हनुमान जी जैसे आकाश में गरुड़ सांप को फेंकता है, उसी तरह हनुमान जी अपने मुड़ी हुई पूंछ को आकाश में फेंकते हैं। नीचे कौन खड़े ये दृश्य देखने के लिए? कैसे खड़े हैं? एक पैर पे खड़े हैं। वो बस आश्चर्यचकित हो रही है, क्या हो क्या रहा है, अरे इतना बड़ा पूंछ हनुमान जी के पास, वो हमारे साथ ही रहते थे, इतना बड़ा पूंछ। उसके बाद हनुमान जी अपना नेत्र को ऊपर करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और हृदय में रोक देते हैं, अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं, अपने पैर को समेट लेते हैं, लंबी श्वास लेते हैं, प्रभु का राम का नाम लेकर अपने मुख से क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्या था मुख में, क्या था? भगवान का मुद्रिका, अंगूठी निकालते हैं और गौर से देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? राम नाम लिखा हुआ है। लेकिन आज उनको राम नाम नहीं दिखाई दे रहा है ना? और गौर से देखते हैं, तभी एक दृश्य दिखाई देता है हनुमान जी को। वो दृश्य जब हनुमान जी प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ 4 महीने का चतुर्मास मलयवंत पर्वत में किए थे। क्या था वो 4 महीने का चतुर्मास, कोई बता सकते? क्या था वो 4 महीने का चतुर्मास, राम जी का क्या अवस्था क्या थी? हाँ, प्रभु राम माँ सीता के विरह में रो रो के एकदम अश्रुगद होते थे, कंपन होता था, मूर्छित होते थे। हनुमान जी उनको उठाते थे। यही प्रभु राम माँ सीता का नाम लेते लेते वो न खाते थे ना पीते थे। 4 महीने की अवस्था सिर्फ हनुमान जी को पता है। और उस समय जब वो मुद्रिका को देखते हैं, प्रभु राम का जो दृश्य है, जब वो माँ सीता के विरह भाव में रो रहे थे, वो उनके सामने आता है। वो सोचते हैं अभी का जो पड़ाव है, मुझे कहाँ जाना है? लंका। 2 विकल्प है, एक तो गहरा समुद्र और दूसरा चारणों का मार्ग आकाश। इसमें कौन सा रास्ता सही रहेगा? आकाश। जब मैं लंका में जाऊंगा, वहां पे मेरे शुभचिंतक कोई नहीं है, सभी कौन है वहां पे? राक्षस। और मुझे किससे मिलना है? माँ सीता। क्या माँ सीता मुझे पहचान पाएगी? मैं प्रभु राम का दूत हूं, वायुपुत्र हनुमान हूं, पहचान पाएगी? मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज समान है मेरे में और माँ सीता में। वो जो कार्य कर रही है वो मैं भी कर रहा हूं। शायद ये 2 कार्य के कारण हम एक दूसरे को पहचान सकेंगे। प्रभु जी वो क्या कार्य था? बोलते वो कार्य माँ सीता भी कर रही है, मैं भी कर रहा हूं वहां जाके। क्योंकि आज तक प्रभु राम ने उनका फोटो तो दिखाया नहीं, सीता ऐसी दिखती है, ये अनुमान में मैं हनुमान जा रहा हूं, लेकिन वो कैसे दिखती है मुझे नहीं पता। लेकिन ये कार्य के कारण शायद वो भी मुझे पहचानेगी और मैं भी उनको पहचानूंगा। जैसे ही मिलूंगा, दंडवत प्रणाम, ये मस्तिष्क उनके चरणों में रहेगा। प्रभु जी वो बताइए वो कार्य क्या है जो समान है, जो माँ सीता भी कर रही थी और प्रभु राम भी कर, हनुमान जी भी कर रहे। हाँ प्रभु जी हाँ, क्या था?
प्रभु राम का नाम। याद आता है जब श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना किए थे 1966-67 में, एक दिन अकस्मात 68 की बात है, दो साल भी नहीं हुआ था और हार्डली 20 लोग भी नहीं थे भक्ति में, यानी इस्कॉन में ये सभा जो बैठी है उससे भी कम लोग थे। और एक दिन उनको एक पैरालिटिक अटैक हो गया। वो बोले कि अगर ये बच निकला तो बच निकला, नहीं तो शरीर छोड़ने का समय आ गया है। तो जैसे थोड़े दिन हॉस्पिटल में थे और वापस प्रभुपाद बोले मुझे वापस लेके जाओ और लेके जाओ वापस, उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। और प्रभुपाद ने बोले भक्तों को मुझे भारत जाना है, मेरा ज़्यादा समय नहीं है, लगता है थोड़े दिन में मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं वृंदावन में शरीर छोड़ूंगा, मुझे भारत जाने का एक टिकट निकाल दो। तो टिकट निकला और गाड़ी में बैठे प्रभुपाद और प्रभुपाद पीछे बैठे थे और आगे भक्त लोग बैठे थे, वो रो रहे थे, गाड़ी सब निकल रहा था, ब्रह्मानंद जी रो रहे थे, उनके शिष्य जो गाड़ी चला रहे थे वो भी रो रहे थे। प्रभुपाद बोलते थे देखिए बच्चों, कुछ भी क्यों ना हो ये दुनिया में, लेकिन भगवान का नाम मत भूलना, मैं रहूं या ना रहूं वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भगवान का नाम कभी मत भूलना। ये मंत्र से ऊपर कोई मंत्र है ही नहीं, ये मंत्र का जाप करते रहो भगवान का दर्शन जरूर होगा, मैं हूं या ना हूं कोई प्रॉब्लम नहीं। उस समय जब रो रहे थे वो लोग बोले प्रभुपाद आप तो जाएंगे लेकिन हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, आप भारत में रहेंगे हम अमेरिका में रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, भक्ति में ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हम जो भी भक्ति कर रहे हो आपके कारण है, अभी आप ही हमें छोड़ के जाएं तो हमारा क्या गति है। तभी प्रभुपाद बोले बहुत अच्छी बात बोले, देखो मैं अमेरिका में हूँ आप, मैं भारत में हूँ आप अमेरिका में हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम एक ही कार्य कर रहे हैं, क्या हम हरि नाम कर रहे हैं, क्योंकि हम हरि नाम कर रहे हैं भौतिक दृष्टि में हम दूर हैं लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में हम करीब हैं, हम नजदीक हैं। इसी तरह अभी हनुमान जी को पता है मैं जाऊंगा लेकिन माँ सीता मुझे पहचान पाएंगी नहीं, लेकिन क्योंकि मैं भी भगवान का नाम ले रहा हूं और वो भी भगवान का नाम ले रही है, आगे का काम राम का नाम करेगा। सभी वानरों को देख रहे, वो आतुरता से एक पैर पे खड़े होके हनुमान जी को गुड बाय करने वाले हैं, ऑल द बेस्ट। तभी हनुमान जी सबको देख के बोलते हैं मेरे ज्येष्ठ, मेरे सहोदर, मेरे अनुज, आप प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना शक्ति है कि एक समुंदर नहीं आप लोग 7 समुंदर को पार कर सकते हो, लेकिन आपकी ये असीम कृपा है कि ये कार्य मेरे ऊपर सौंप दिए हो, ये मेरा सौभाग्य है। जिस प्रकार प्रभु राम के धनुष से मन के वेग से बाण निकलता है उसी वेग से मैं अभी लंका में प्रवेश करूंगा, अगर मां सीता का दर्शन वहां पे नहीं हुआ वही वेग से मैं कहां पे चलूंगा, स्वर्ग में निकल जाऊंगा। अगर स्वर्ग में भी जानकी का पता नहीं पड़ा तो मैं वो दुष्ट रावण को बांध कर प्रभु राम के चरणों में आके रख दूंगा। आप लोग सब प्रार्थना कीजिएगा कृतकृत्य होकर मैं मां जानकी के साथ ही मैं वापस लौटूं, अगर ऐसा नहीं हुआ मैं प्रभु राम के चरणों का सौगंध लेके कहता हूं आज के आज मैं संपूर्ण लंका को उखाड़ूंगा और रावण सहित प्रभु राम के चरणों में आके रख दूंगा, अगर ये मैं नहीं किया तो मेरा नाम हनुमान नहीं।
ये बोले और इतना जोर से प्रभु राम का नाम लिए, जय श्री राम। राम का नाम लेते ही सभी वानरों का ऐसा क्या हुआ, हनुमान जी छलांग मार चुके हैं। उस समय जांबवंत जी को बोलना था, अरे अरे अरे, क्योंकि आज तक कोई भी कार्य था हनुमान जी जांबवंत से पूछे, जांबवंत जी जरा मूर्त देखिए, क्या मूर्त है, अच्छा लगने कोई साढ़े साथी तो नहीं है, कोई राहु नहीं है, कोई केतु नहीं है, कुछ ये नहीं है वो। लेकिन आज उन्होंने जांबवंत से नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा। हमारे एक संप्रदाय में एक बहुत अच्छे आचार्य हैं, माध्व संप्रदाय में, वो व्यास तीर्थ के शिष्य है, वो पुरंदर दास, हमारे पंडरपुर के पंडरीनाथ महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं। वो अपने एक अभंग बोलो, उनका एक कृति है जहाँ पे वो बोलते हैं, इंदिन दिनवे शुभ दिनवु, इंदिन कार्य शुभ कार्य, इंदिन करणा शुभ करणा, इंदिन योगा शुभ योगा, इंदिन लग्ना शुभ लग्ना, इंदिन कार्य शुभ कार्य, इंदु पुरंदर विठ्ठल रायन नेनेसिद दिनवे शुभ दिनवु, भजिसिद दिनवे शुभ दिनवु। इसका मतलब वो बोलते हैं, आज का दिन शुभ दिन है, आज का कार्य शुभ कार्य है, आज का लग्न शुभ लग्न है, आज का योग शुभ योग है। क्यों? जिस दिन मैं भगवान का नाम लेता हूं वो सभी दिन सभी कार्य सभी काल शुभ कार्य, किससे पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए हनुमान जी जामवंत से नहीं पूछे, जामवंत बोले थे, अरे अरे हनुमान जी आपका कार्य आपको पता है ना, तब तक हनुमान जी हवा में चले गए, आपको सिर्फ थोड़ा ही कार्य करना है, बाकी सब प्रभु राम को छोड़ना है। क्या राम का भी कार्य सिद्ध करके आ जाओगे? हनुमान जी मैं जन्म लिया था राम और रावण का युद्ध देखने के लिए, क्या वो भी बंद करके आ जाओगे, क्या हमारे लिए कुछ सेवा रखोगे या निकल जाओगे? हनुमान जी को कुछ वो तो हवा में निकल पड़े। फिर जांबवंत जी को मालूम पड़ा ये किसके आधार पे छलांग मारे हैं, हनुमान जी किस आधार पे छलांग मारे हैं, राम नाम में। आगे का मार्गदर्शन भी राम नाम ही करेगा, तो मैं चुपचाप एक पैर पे जैसे खड़ा हूं, मैं खड़े रह के भगवान का नाम लेते रहूंगा। जैसे हनुमान जी छलांग मारे, जितने भी पर्वत में जितने भी वृक्ष थे वो भी अपने डाली को सिकोड़ लिए और हनुमान जी के वेग से आकृष्ट होकर वो भी उखड़ गए और हनुमान जी के पीछे 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 चलने गए। समझ लीजिए एक क्षण में जितने वृक्ष थे महेंद्र पर्वत में वो क्या हुए, बिना वृक्ष के हो गए। अगर आजकल के एनजीओ को पता पड़ता तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेके आते थे, ऐसा वृक्ष को कैसा काटा आप लोगों ने। सब वृक्ष आकृष्ट होकर हनुमान जी के पीछे पीछे चलने गए। आपको पता है आचार्य क्या बताते हैं, ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं थे, ये बड़े तपस्वी थे। वो आज का ये जो घड़ी के लिए इतने साल से तपस्या करके प्रतीक्षा कर रहे थे, वो सोचने लगे इतने साल तक हम महेंद्र पर्वत में ऐसे ही खड़े हैं और क्या दृश्य में क्या आता है, दृश्य में क्या दिखाई दे रहा है हमें, पिकनिक स्पॉट करजत खंडाला लोनावाला एंजॉयमेंट। ये हमारी सुकृति है कि हनुमान जी ये पर्वत में चढ़े और यहीं से वो
आगे बढ़े हैं प्रभु राम का नाम लेते ले। हम और कितना साल ऐसे ही देखते बैठे, क्यों ना हम भी माता सीता की सेवा के लिए हमारा शरीर को अर्पण क्यों ना करें, प्रभु राम का नाम लिए क्यों ना शरीर का अर्पण करें। चलो ये भी अपने आप को उखड़ लिया और हनुमान जी के पीछे वही वेग में उड़ान भर दिए। सब वानर देखते कि लाइन में सभी वृक्ष पीछे पीछे रांगे सगले ऊपर ले ले, सगले हवा में उड़ान भर रहे हैं, सब उनके पीछे। ऐसा मानो एक राजा जा रहे उसके पीछे सब सैनिक लाइन में जा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहीं बाहर जाता है तो सभी सगे संबंधी उसको पहुंचाने जाते हैं ना, ठीक है भाई, उसी तरह सभी वृक्ष जाते हैं। वृक्ष जाते ही समुद्र में कितना समय रहते हैं हनुमान जी के पीछे, कोई बता सकते हैं कितना समय एक वृक्ष हनुमान जी के पीछे, कितना समय सभी वृक्ष लाइन में, कितना समय, एक मिनट, दो मिनट, चार मिनट, पांच मिनट, प्रभु जी कितना समय प्रभु हनुमान जी के पीछे, हाँ कितना समय एक अंदाज लगाओ, एक घंटा, बहुत नजदीक पड़े माताएं, कितना समय, कितना समय हो गया हनुमान जी के पीछे 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 वृक्ष जाऊं, एक सेवा तो करें हम, हाँ हाँ एक पल, वेरी गुड। हाँ वाल्मीकि जी बताते हैं एक मुहूर्त तक सभी वृक्ष हनुमान जी के पीछे थे, एक मुहूर्त बोले तो कितना, 48 मिनट हनुमान जी के पीछे पीछे थे। हनुमान जी आगे से राम का नाम लेते 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 एकदम छलांग इतना जोर का मारे है, वृक्ष भी उनके पीछे पीछे है। और जब पीछे जा रहे थे उनका पांव से जितने भी जो धूल थे ये वृक्षों का अभिषेक हो रहा था। ओ हे वैष्णव ठाकुर दोयार सागर ये दासे करुणा खोरी दिया पद छाय सोदोए आमार तोमार चरण धोरी छाया बेगदोमी छाया दोष सोदी छाया गुणा देहो दासे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाई तव पाचे पाचे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दोयार सागर ये दासे करुण कोरे, क्योंकि हनुमान जी का चरण दूल का अभिषेक हुआ एक मुहूर्त के बाद सभी वृक्ष कहां पे गिरे, समुंदर में गिरे। उनके जो लताओं में जो भी फूल थे वो नहीं डूबे, वो समुंदर के ऊपर तैर रहे थे, लेकिन वृक्ष क्योंकि एकदम उनका जो भार बहुत ज्यादा था वो सीधा डूब गए। अगर वृक्ष को उखाड़ने का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, वृक्ष उखड़ गया उसका मतलब, वृक्ष को उखाड़ दिए उसका मतलब, इन वन सेंस क्या, वृक्ष मर गया। यानी एक तरीके से देखा जाए हनुमान जी के पीछे पीछे जाते जाते वो अपना देह त्याग कर दिए। सभी वानर ये दृश्य को देख रहे हैं और उसी समय जब देह त्याग किए उसी समय वैकुंठ से एक नहीं हजारों विमान आ गए, हजारों विमान आए और वो आत्मा को किस में बिठाए, विमान में बिठाए और विष्णु दूत सीधा साकेतपुरी में लेके गए। सभी वानर एक दूसरे को देख रहे हैं, हनुमान जी की सेवा करने में सीधा वैकुंठ। हमारे तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में बहुत अच्छा एक पंक्ति है, बहुत अच्छा मतलब, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिशरावे अंतकाल
रघुपर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत काल में हनुमान जी किसका याद दिलाना, रघुवर का याद, ताकि हम अयोध्या साकेतपुरी में प्रवेश कर। ये हुआ किनका, सभी वृक्षों का। हनुमान जी छलांग मारे और सीधा ऊपर हवा में। उस समय वाल्मीकि जी का जो वर्णन है, ओह सुपर, ऐसा वर्णन ना भूत हो ना भविष्यति, ऐसा लग रहा है कि वाल्मीकि जी हनुमान जी के साथ छलांग मार के एक कैमरा लिए और एक वीडियो लेके हनुमान जी को एकदम गहराई से क्लोजअप शॉट्स ले रहे हैं, या तो एक ड्रोन लेके और ड्रोन के ऊपर वाल्मीकि जी के बैठे हैं और हनुमान जी को एकदम नजदीक से उनको देख रहे हैं। वो क्या बता रहे पता है वाल्मीकि जी, हमारे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी दिख कैसे रहे थे। ओ ये आप ध्यान देखिए, आज का कथा के बाद ये आप ध्यान करके आप विश्राम कीजिएगा, बहुत अच्छा नींद भी आएगा। हनुमान जी दिख कैसे रहे थे, वाल्मीकि जी बताते हैं, उनका दोनों आंख का वर्णन करते, एकदम क्लोजअप शॉट। समझ लीजिए आप भी वाल्मीकि जी के बाजू में यार, आप भी देख रहे हैं उनके कैमरा से कैसे हनुमान जी दिख रहे हैं। उनका दोनों आंखों का वर्णन करते हैं, उनका दोनों आंख कैसा दिखाई दे रहा था, दवनल। दवनल बोले तो संसार नलो नी दो, दवनल का मतलब फॉरेस्ट फायर, एक अग्नि के समान था। क्यों अग्नि के समान, क्रोध के कारण। किसके प्रति क्रोध, रावण के प्रति। फिर और क्लोजअप शॉट जाता है वाल्मीकि जी का, उनका दोनों आंख दवनल के समान है और दूसरे के साथ, एक तो पूर्ण सूर्य के समान और दूसरा पूर्णिमा के चंद्र के समान। ये मैं प्रश्न आपको पूछूंगा क्योंकि आप भी ड्रोन शॉट में आप लोग भी हो, तो ये लेक्चर के बाद आप। उसके बाद वो उनके आंखों का वर्ण बताते हैं, रंग बताते हैं, कौन सा रंग का था हनुमान जी का आंख, पिंगल वर्ण। पिंगल वर्ण बोले तो व्हाट इज पिंगल वर्ण, पिंगल वर्ण व्हाट इज पिंगल वर्ण, हाँ हाँ बहुत नजदीक आ गए हो आप, बूरा लाल, ब्राउनिश रेड, पिंगल वर्ण। फिर कैमरा थोड़ा नीचे आता है, उनके नाक के पास जाता है, नाक कौन सा रंग का था, नाक का रंग हनुमान जी का। अभी हम हमारा नाक ना देखें, हम हनुमान जी का, हाँ लाल। ये लाल के कारण लाली, संपूर्ण मुखमंडल में लाली भरा हुआ था, इसलिए मुखमंडल भी लाल था। फिर हनुमान जी के दांत के पास जाते हैं, उनका दांत कौन सा कलर का था, हमारा दांत के कलर, क्योंकि हम बराबर ब्रश नहीं करते, एकदम सफेद। और उनका जो कमर के नीचे का रंग था वो लाल था। ये मैं प्रश्न आपको वापस पूछूंगा, ध्यान देके सुनिएगा। उनका पूछ ऐसा लग रहा था कि वो इंद्र के एक ध्वज के समान है, और ऐसा मानो कि एक गजराज को कोई बांध कर समुद्र के ऊपर से खींचे जा रहा है। उनका ड्रोन कैमरा और एकदम और नीचे जाता है। हनुमान जी जब जहां कहीं से समुद्र के कौन सा भी रास्ता लेके जा रहे थे ऊपर से, तो उनकी परछाई नीचे दिखाई दे रहे थे, और ऐसा मानो कि एक नाव चल रहा है समुद्र में। और जहां पे भी हनुमान जी जा रहे थे छलांग मारते, उनके उपस्थिति के कारण समुद्र में क्या बाहर निकल रहे थे, तरंगमालाएं बाहर निकल रहे थे। व्हाट इज तरंगमाला, वेव्स, लहरें। वो तरंगमाला ऊपर आती थी, हनुमान जी को भिगा देती थी और वापस नीचे आ जाते थे, वो भीग जाते थे, और समुद्र अपना रास्ता खोल खोल के दे रहा था। समुद्र जब खोल के रास्ता दे रहा था, हनुमान जी को दिखाई दे रहा था, और ऊपर से वाल्मीकि जी को ड्रोन से भी दिखाई दे रहा था कि जितने जंतु है, जीव जंतु है, कौन कौन जीव जंतु है समुद्र के, कौन से है सबसे मेन, मछलियाँ, कछुए, और इवन मगरमच्छ और सर्प, सभी दिखाई दे रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था माने कौन ऊपर से आया है,
सर्प को क्या लग रहा था, ये कौन आया, कौन आया, गरुड़ आया, वो जल्दी से छिपने का प्रयास कर रहा था। ये सब ड्रोन कैमरा में वाल्मीकि जी कैच कर रहे हैं। उसके बाद वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि हनुमान जी की जो छाया है वो कितनी बड़ी छाया थी, वो मेजरमेंट टेप में मेजरमेंट भी करते हैं, उनकी चौड़ाई कितनी थी वो छाया की, हनुमान जी की नहीं, हनुमान जी की छाया की चौड़ाई कितनी थी कोई बता सकते हैं? ध्यान रखिएगा मैं पूछूंगा, 128 किलोमीटर। उनकी लंबाई कितनी थी, ये उनकी सिर्फ चौड़ाई थी, लंबाई ये उनकी छाया की बात कर रहे हैं वाल्मीकि जी, लंबाई कितनी थी 350 किलोमीटर उनकी छाया की। राम का नाम लेते लेते वो ऐसे जा रहे, वाल्मीकि जी बताते उनका दोनों जो भुजाएं हैं ऐसा लगता है कि ये पांच फन का दो सर्प बाहर निकले हुए हैं, बस ऐसा लग रहा था कि वो मुंह से संपूर्ण आकाश को पी रहे हैं और संपूर्ण समुद्र को भी पी डालेंगे राम। और एक बात है, और गहराई से वापस आंख में वापस कैमरा जाता है और वहां पे दिखता है कि वाल्मीकि जी को दिखाई देता है कि हनुमान जी की आंखों से अश्रु की धाराएं बहते जा रही है। किसके स्मरण में अश्रु की धारा बह रही है, मां सीता और प्रभु राम का। और नीचे जाता है, उनका जीभ हिल रहा है, क्या हिल रहा है, राम नाम में हिल रहा है। ये क्लोजअप कैमरा शायद ही कोई शास्त्र में इतने अच्छे से लिखा और वर्णन किया हो। जब वो जा रहे थे समुद्र को उल्लंघन कर ही रहे, एक ही उनका ही निशान, अभी कैसे भी करके हमें लंका में पहुंचना है। उसी समय समुद्र है एक मीटिंग करता है, समुद्र नीचे है वरुणालय समुद्र, बोलता है अरे प्रभु राम के कार्य सिद्धि के लिए हनुमान समुद्र उल्लंघन करे और मैं ऐसे ही बैठा हूं। बहुत समय की बात है कि यही रघुवंश में बहुत बड़े महाराज थे, उन्होंने मुझे ये जगह दिए थे और उन्हीं के वंश में प्रभु रामचंद्र ही आए और उनका ही दूत आज मेरे ऊपर उल्लंघन कर रहा है, मैं उसका कोई सेवा नहीं करूं। वो कौन थे राजा जो समुद्र का सेवा किए थे रघुवंश में, सगर महाराज। आपको कथा पता है ना सगर महाराज का, सगर महाराज को एक दिन अश्वमेध यज्ञ करना था, 100 अश्वमेध यज्ञ करना था, उसमें 99 हो गए थे, एक अश्वमेध बाकी था, तभी कौन आके उसको चुरा देते हैं, वो उनका प्रोटोकॉल है, उसको उठाना चुराना। वो एक अश्व को ढूंढने के लिए सगर महाराज बोलते, कितने बच्चे थे सगर महाराज के, 60,000 बोलते हैं, आप शीघ्र जाके, वो सभी पंडित भी बोल रहे नहीं अश्व चाहिए तो वो ही चाहिए, आप मार्केट के अश्व का कोई वैल्यू नहीं है, आप वही अश्व को ढूंढ के लेके आओ। तो ढूंढने जा, ढूंढते 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 क्या लेके, बुलडोजर जेसीबी मशीन सब खोदना शुरू करते हैं, कहां तक, भूलोक से पाताल तक, और भूलोक में छेद ही छेद सब जगह। कथा तो बहुत लंबी है, आगे का कथा उसमें फिर माँ गंगा का भी आविर्भाव होता है, लेकिन क्योंकि यहां पे इतने छेद है, सगर महाराज किसको बुलाते हैं, आप कृपया आइए और ये जो खड्डे हैं उसको भर दो, किसको बुलाते हैं, समुद्र को बुलाते हैं। आज जो आप समुद्र देखते हैं ना, वो जेसीबी मशीन का करामत है, किसका, सगर महाराज का, बच्चों का। तो समुद्र को बहुत ऋणी था कि सगर महाराज ने हमें जगह दिया और आज उनके कुल में प्रभु रामचंद्र जी का दूत उनकी सेवा में तत्पर हो रहे, उनका कुछ तो सेवा करें। तो क्या करते, समुद्र सीधा जाके एक मैनाक पर्वत था समुद्र के नीचे, बोलते आप शीघ्र ही ऊपर उठो, ऊपर उठो, आप ऊपर उठो और हनुमान जी को विश्राम के लिए जलपान के लिए एक अवकाश दो, बैठेंगे थोड़ा आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, थोड़ा जलपान करेंगे, फिर आगे प्रस्थान करेंगे। मैनाक बोलते ठीक है और सीधा समुद्र के बीचों बीच ऊपर आ जाता। मैनाक सोने का पर्वत था
और इतना ऊंचा था कि मानो कि नीले आकाश में वो रेखा खींचते खींचते ऊपर आ गया। हनुमान जी राम का नाम लेते ले जा, ये क्या है, ये कौन विघ्न पर आगे लेके आया है? कुछ नहीं, वो प्रभु राम का नाम लेते अपने छाती से मैनाक पर्वत को ठोकर देते हैं, मैनाक पर्वत वापस पानी के अंदर, लेकिन वापस मैनाक पर्वत ऊपर आ जाता है और इस समय एक मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। पर्वत भी था लेकिन मनुष्य रूप में आके बोलते हैं, हनुमान जी यहां पे आइए, जलपान कीजिए, विश्राम कीजिए, सुबह का वक्त है, मेनू में क्या है, पोहा, शीरा, उपमा और क्या है, इडली चटनी, रवा डोसा, मसाला, जो भी है आप आइए जलपान कीजिए, और पीने में सब कुछ जो चाहिए आप पी सकते हो, और रहने के लिए सेमी डिलक्स, डिलक्स रूम, सूट, सब कुछ है, आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए, फिर आगे आपका पड़ाव में निकल सकते हो। हनुमान जी देखते हैं और बोलते हैं, देखिए मैं अतिथि तो हूँ, आपका अतिथि सत्कार से मेरा हृदय भर गया, मैंने वचन दिया हूँ, मैं वचन दिया हूँ किसको, सभी वानरों को, कि मैं कहीं पे भी रुकावट नहीं लाऊंगा, इसलिए मैं आपका जो अतिथि सत्कार को स्वीकार कर रहा हूँ, ये कहकर हनुमान जी मैनाक पर्वत को स्पर्श करते हैं और छलांग वापस लगाते हैं। ओ मैनाक बोलते हैं, देखिए हनुमान जी, हनुमान जी मैं ऋणी हूं, आपका ऋणी हूं। बोलते क्यों, आपके और आपके पिताजी का ना बहुत बड़ा संबंध है। हनुमान जी वापस पीछे मुड़ते, कैसा संबंध है? नहीं, सत्ययुग की बात है, उस समय पर्वतों को क्या था, पंख था, और हर रात को पर्वतों का कंपटीशन होता था कौन जल्दी उड़ता है, अंतरिक्ष में कौन जल्दी उठता है। उस समय नीचे जो बैठे हुए, भूमंडल में जो बैठे हुए साधु मुनि जो भी थे, उन लोगों को डर लगता था, इन लोगों के कंपटीशन में कुछ टकरा गए और नीचे गिर गए तो हमारा क्या हाल होगा। तो इंद्र को बोले, इंद्र जी इनको जरा संभाल लो। तो इंद्र जी ने अपने वज्र में सभी पर्वतों का पंख काट दिया, एक पर्वत बचा था उसका नाम मैना। वो काटने वाले थे उस समय वायु ने मैना को उठा के समुद्र में डाल दिया। तो मैना बोलते हैं, वानरेंद्र मैं आपके पिताजी के प्रति बहुत ऋणी हूं, आज वो ऋण तो चुकाने दीजिए, मुझे आपकी सेवा करनी है। हनुमान जी बोलते हैं, हरे कृष्णा मुझे जाने दीजिए। क्यों हनुमान जी कुछ भी नहीं लिए, आपको पता है, जब से वो किष्किंधा छोड़े हैं, मलयवंत पर्वत को छोड़कर प्रभु राम को छोड़े हैं और माँ सीता का खोज के लिए निकले हैं, उस दिन से अब तक बोले तो ये मैनाक से मिलने तक हनुमान जी एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं किया है, एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं किए है। क्या भक्ति है। वो बोले मैं निकला, वो निकल गए। उस समय इंद्र आते हैं मैनाक के पास, बोले अरे मैनाक इतनी बड़ी सेवा की आपने, अभी ले लो पासपोर्ट के साथ वीजा भी दे देते हैं, आपको जहां घूमना है घूमो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहाँ घूमना है, ये आपके पास पंख भी है, आपको कहाँ घूमना है आप घूम सकते हो, क्योंकि आपने इतना बड़ा सेवा किया हनुमान जी का। मैना को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो वापस समुद्र के अंदर ही चले जाता है। आचार्य बताते क्यों, जब एकदम फ्री पास और एयर टिकट मिल रहा है मैनाक को, आपको जहां जाना है जाओ, आपको जो खाना है खाओ, आपको जो करना है करो, मैनाक वो सब कुछ तुच्छ समझकर वापस पानी के अंदर प्रवेश किए, क्यों कोई बता सकते हैं? प्रभु जी आप सोचिएगा, माता जी हाँ,
भक्त का एक स्पर्श करने से ही ये भौतिक दुनिया में जो भी आशा आकांक्षा और इंद्र तृप्ति करने की जो भी प्रवृत्ति थी वो मिट गए। वो भी प्रभु राम का नाम लेते लेते समुन्दर के नीचे गए और उनको पता पड़ा आने वाले शीघ्र ही भविष्य में यही मार्ग में कौन आने वाले हैं? प्रभु राम आएंगे, लक्ष्मण आएंगे। इनका एक स्पर्श से इतना बड़ा आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई। जब प्रभु राम मेरे शरीर में स्पर्श करे तो मेरी क्या अवस्था होगी? इसके सामने ये एयर टिकट किस मतलब का? लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया किस मतलब का? प्रभु राम का चरण मेरे शरीर में तो आ जाए, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं पे भगवान का नाम लेते रहना, एक ना एक दिन भगवान तो जरूर आएंगे, मेरे मस्तक में वो अपना पैर जरूर रखेंगे। हनुमान जी आगे गए राम का नाम लेते। उस समय बाकी सब देव देवता और सभी सिद्धगण नाग माता सुरसा को बोलते हैं, शीघ्र ही आप 2 घड़ी के लिए हनुमान जी को रोक दीजिएगा। तो क्यों? ने उनका हमें बल और बुद्धि का परीक्षा करना है, बल और बुद्धि का परीक्षा करना है, शीघ्र उनको रोक दीजिएगा। नाग माता सुरसा बोलते कैसे रोकना चाहिए, राक्षसी का रूप धारण कीजिए, उनको रोक दीजिए। और वो लोग सीधा अंतरिक्ष में जाके ये दृश्य देख रहे थे। हनुमान जी आ रहे थे, उसी समय कौन सामने आते हैं? नाग माता। कौन? सुरसा। ओ बड़ी मुंह करके, देखो अरे तुम तो देव देवताओं ने तुम्हें मेरा बक्ष प्रदान किया है, आज मेरा अंदर चले जाओ, बहुत दिन के बाद भूखी भी थी, पेट भर जाएगा। हनुमान जी बोलते देखिए देवी, मैं प्रभु राम के कार्य में मैं सिद्ध हूं, प्रभु राम का सेवा करना है, मां सीता का हरण हुआ है, प्रभु राम का संदेश मां सीता को देना और सीता का संदेश प्रभु राम को देना, उसके बाद मैं शीघ्र ही आपके मुंह के अंदर प्रवेश करूंगा। हाँ बहुत चतुर हो, पहले प्रवेश करो, बाद में जहां जाना है जाओ। कि ब्रह्मा का वर है जो मेरे मुख के अंदर प्रवेश करता है बाहर नहीं जाता है, और मेरे मुख के अंदर प्रवेश करने के बगैर वो समुद्र को लांग नहीं कर सकता। तो हनुमान जी बोलते ठीक है, आपका मुख को बड़ा कीजिएगा, मैं बहुत भारी हूं, हाइट कितना है मेरा, परचाई का हाइट कितना है? 350 का, और चौड़ाई 128 किलोमीटर। तो समझ लीजिए असली में उनका कितना बड़ा रूप होगा, बाहर को संभाल लीजिए। तो सुरसा बोलती ठीक है 10 योजन बड़ा। हनुमान जी कितना बड़े हो जाते हैं? 20 योजन। सुरसा 30, हनुमान जी 40, सुरसा 50, हनुमान जी 60, सुरसा 70, हनुमान जी, सुरसा, हनुमान जी, हाँ 90 होते ही हनुमान जी अपने शरीर को संकुचित कर देते एक मच्छर के समान, और शीघ्र ही सुरसा देवी के मुंह के अंदर चले जाते और वापस आ जाते। देवी ब्रह्मा जी का वर तो पालन कर लिया, अभी तो दान जाने दीजिए। बल विद्या बुद्धि देहु मोय हरहु कलेश विकार। बल भी था उसके साथ, विद्या भी था उसके साथ, बुद्धि भी था। सुरसा राक्षस का रूप त्याग करके एक देवी के रूप में आते हैं, बोलते हैं ये मेरा अहोभाग्य है, सौभाग्य है, एक राम का भक्त मेरे मुख के अंदर गए, वो भी राम नाम लेते हुए। आयुष्मान भव पुत्र, अभी का जो मार्ग है सुलभ हो और शीघ्र ही मां सीता का सेवा करो और प्रभु राम का सेवा करो, यही मेरी शुभकामना है, आगे बढ़ो। हनुमान जी और आगे बढ़ते हैं, जय श्री राम। आगे बढ़ते समय हुआ प्रभु जी, अरे है ओके। ये दूसरा दुष्कर कर्म हो गया, अभी तीसरा। हनुमान जी जा ही रहे थे, ऐसा मानो इतना बड़ा परचाई, परचाई कितना बड़ा है प्रभुस? माता है मत बोलिएगा, प्रभुस कितना बड़ा परचाई है? 350 लंबाई और चौड़ाई
128 किलोमीटर। हनुमान जी राम का नाम लेते ही जा रहे हैं और उस समय ऐसा लगा कि किसी ने उनको पकड़ लिया, उनका परछाई को किसी ने पकड़ लिया। हाँ, वो आगे जाने की प्रयास करें, जा नहीं पा रहे हैं, बोले ये क्या है। उसी समय समुद्र से एक राक्षसी बाहर निकलती है, उसका नाम था सिमिका। इसको देखते ही हनुमान जी को मालूम पड़ता है, जब मेरे राजा सुग्रीव डायरेक्शन दे रहे थे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट फिर कौन सा दक्षिण, दक्षिण का डायरेक्शन सब लोग लिख रहे थे, अभी वहां पे लेफ्ट फिर राइट फिर अंडरग्राउंड फिर ओवरग्राउंड फिर यहाँ टनल ये वो, फिर पता है समुद्र के बीच में एक राक्षसी है उसका नाम सिमिका, वो परछाई पकड़ती है और खा डालती है, उससे बच के रहना, अभी वो अभी सामने ही है। हनुमान जी देखते हैं, हाँ जी ये कौन है, वहा इतना समय के बाद इतना बड़ा वानर, अभी और 100 साल के लिए कोई खाने की जरूरत ही नहीं, वो खाने ही वाली थी। हनुमान जी तुरंत संकुचित हो जाते, संकुचित होते और सीधे उसके मुख में प्रवेश करते, मुख में प्रवेश करके उसके हृदय में प्रवेश करते और अपने नाखून से उसका हृदय को विदीर्ण करते हैं। मैसिव हार्ट अटैक और शीघ्र ही उसके मुखमंडल से बाहर निकलते हैं। सभी देव देवता तालियां बजा रहे हैं, मींस एक ऊपर से आप समझो एक स्टेडियम ही था अंतरिक्ष में, यानी सब लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं और पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। हनुमान जी वहां से भी निकल गए, वहां से निकल गए। 100 योजन समुद्र पार हो ही रहा है और दूर से उनको क्या दिखता है, समुद्र वहीं पे, समुद्र का पानी नहीं दिख रहा है, वहां पे भूमि दिखाई दे रही है, हरा भरा भूमि। और वहां पे जब देख रहे थे वो आकाश में ही है, वो सभी पर्वत को देख रहे हैं और वहां पे एक पर्वत जो उत्तर तट में एक पर्वत था मलय पर्वत, वही पर्वत दक्षिण तट में, वो अरे उत्तर में भी ऐसा ही पर्वत और दक्षिण में भी यही पर्वत, और गहराई से देखते वहां पे उनको क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है 100 योजन के बाद, क्या दिखाई देता है, लंका। जब वो उड़ी रहे थे तभी मालूम पड़ा कि अभी ये कितना, मेरी हाइट कितना है, वेट कितना है, चौड़ाई लंबाई 128 चौड़ाई और 350 किलोमीटर लंबाई, अगर ये रूप को देखे तो राक्षसों को, राक्षसों का जो सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, इमीडिएटली रावण को इंटीमेट, इसलिए मैं अभी युद्ध छेड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, ये लोग से झगड़ा करना नहीं, क्या है मेरा लक्ष्य, माँ सीता से मिलना। तो अपना जो रूप है वो नॉर्मल साइज में लेके आ जाते हैं जो हनुमान जी, और शीघ्र लाम पर्वत में जाकर उनका लैंडिंग होता है, सेफ लैंडिंग, स्मूथ लैंडिंग, और वहां से वो देखते हैं और नीचे उतरते हैं वो पर्वत से और गौर से वो लंका को देख रहे हैं। लंका दिखने के लिए कैसे थी, बोलते हैं अमरावती के सर समान थी। अमरावती क्या, ये महाराष्ट्र का, हमारा महाराष्ट्र से अमरावती नहीं, अमरावती बोले तो क्या, स्वर्ग का भारत का राजधानी दिल्ली, स्वर्ग का राजधानी अमरावती। उनको ऐसा लग रहा था ये अमरावती है। गौर से देखते हैं आगे हनुमान जी क्या करते हैं, वो हम अगली बार देखेंगे, सुनेंगे। हाँ, आचार्य बताते हैं ये जो 3 विघ्न हनुमान जी के सामने उपस्थित हुए, भक्ति के मार्ग में सभी साधकों के सामने भी उपस्थित होते हैं। सबसे पहला विघ्न क्या था, हाँ हाँ वो कौन सा पर्वत था, मैनाक पर्वत। रेस्ट कीजिए, जलपान कीजिए, आज का वेजिटेबल, आज का मिसल पाव क्या जो भी है ले लो, नहीं। इसका मतलब क्या है, साधक के जीवन में जब भी वो भक्ति में साधना में परिश्रम करता है उस समय
बहुत सारा बाधा और विघ्न भी आता है, और इसमें एक विघ्न क्या है पता है? क्या है? भोग विलास का विघ्न। आपको समझ में आया क्या? भक्ति करते करते इतना ऐश्वर्य आ जाता है, हम समझते हैं अरे देखा भगवान का कृपा, देखो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन आपको पता है, आप देखिए कई का बार, इसलिए हर बार आप लोग ने ये प्रश्न तो सुना ही होगा सबसे, वो लोग क्या पूछते पता है आपको? आप इस्कॉन में? हम बोलते हैं हाँ। उनका दूसरा प्रश्न क्या होता है पता है आपको? इस्कॉन में बहुत पैसा है ना? है कि नहीं? आप लोगों ने सुना है कि नहीं? क्योंकि हर मंदिर करोड़ों के कम तो है नहीं, लाखों में तो आप लोग करोड़ मंदिर तो बनाते नहीं हो। एक मंदिर 300 करोड़ का, दूसरा मंदिर 200 करोड़ का, ये पैसा आता कहाँ से? हम 9 बजे से 6 बजे तक धक्के खाते रहते हैं, CST लोकल या चर्च गेट लोकल, फिर भी हम करोड़ रुपए देखते नहीं है। आप लोग के पास इतना करोड़ रुपए आता है? इस्कॉन के पास बहुत पैसा है। प्रश्न पूछा है कि नहीं? सुना है कि नहीं आप लोगों ने? सुना 100%। आपको पता है ये सब लग्जरी, ये सब भोग विलास कहाँ से आता है पता है आपको? क्योंकि सभी, इसलिए महाराज, हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे मंदिर में AC लगाए ना हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में, तो सभी भक्त, अरे महाराज AC ये क्या? महाराज ने बोला AC में बैठ के अच्छे से भगवत कथा सुन सकते, इसीलिए AC लगाया। यहाँ पे कंबल ओढ़ के सोने के लिए नहीं है, भगवत कथा सुनने के लिए और भगवान का नाम लेने के लिए। और वापस बताएं, ये AC क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि सभी भक्त मिलकर सुबह 5:30 से 7:30 तक बैठ के भगवान का नाम लेते हैं ना, ये परिश्रम के कारण ये सब फैसिलिटी आता है। लोग समझते हैं इसको बहुत पैसा है, फिर प्रभुपाद बोलते हैं और महाराज भी बोले, ये जो भी फैसिलिटी आता है हमारे जी, हमारे भोग विलास के लिए नहीं, ये किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। अगर ये मूड हो तब जीत गए, अगर ये लक्ष्य नहीं हो तो हम हार गए। भोग विलास में इतना उलझन हो जाता है कि भक्ति माला सब छोड़ भी देते लोग। हाँ, ये भोग जो भी है, जो भी सुविधा, सुख सुविधा जो भी आता है, ये भगवान की सेवा में अर्पण करें, ना कि हम हमारी सेवा के लिए अर्पण करें, तभी हम बच सकते हैं। तो मैनाक पर्वत ये प्रतीत करता है कि जब भी भक्ति में आते हो तो ऐसा सब आराम का जीवन आ जाता है। उस समय साधक को ध्यान रखना चाहिए कि मैं इसमें उलझना नहीं चाहिए, जो भी आता है, लक्ष्मी आता है, धन आता है, ख्याति आता है, वो भगवान को अर्पण करूं, तभी हनुमान की तरह बचकर सिर स्पर्श करके वो आगे बढ़ सकता है। दूसरा बाधा क्या आया हनुमान जी के जीवन में, जब वो समुद्र उल्लंघन किए? सुरसा। सुरसा क्या क्या प्रतीक करती है? सुरसा 10 योजन, हनुमान जी कितना योजन? 20। सुरसा 30, हनुमान जी 40। सुरसा 80, हनुमान जी 90। सुरसा 100, हनुमान जी क्या किए? एकदम संकुचित हो गए, अंदर जाके वापस आ गए। इसमें क्या सीखने मिलता है? भक्ति में कभी कभार भक्ति करते करते साधक को कोई हृदय में आता है, देखा जाए तो थाना में सबसे शुद्ध भक्त मैं ही हूं। चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके बाद का नंबर मेरा ही है शायद। देखो लोग कितना दंडवत देते हैं, लोग कितनी मेरी प्रशंसा करते हैं, ये मिथ्य अभिमान है। सुखदेव गोस्वामी के बाद का नंबर मेरा ही है। इसलिए जब सुरसा वहां पे स्पर्धा शुरू करने लगी, हनुमान जी क्या किए? संकुचित हुए। उसका मतलब संकुचित होना मतलब नम्र बने, नम्र बने, अंदर गए और बाहर निकले।
भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए? नम्रता। मैं बड़ा, मैं भौतिक दुनिया में क्या है वही तो चलता है। आप कोई हर बार बोलते हो, कोई सोसाइटी मीटिंग में जाइएगा, हर व्यक्ति क्या सोचता है, मेरे जैसे सोच विचार ये बाजू वाले के पास है ही नहीं, उसमें तो झगड़ा होता है। आप सोसाइटी मीटिंग में कभी भी गए हैं तो मालूम है, मीटिंग से ज्यादा क्या होता है वहाँ झगड़ा ही होता है। आप लोकसभा में जाओ, राज्यसभा में जाओ, क्या होता है वहाँ? कुछ बिल पास होता है? इसको क्या मालूम? मैं एक प्रश्न पूछूंगा कुछ बता ही नहीं सकता, ये क्या, यही तो चलता है, झगड़ा ही होता है। तो हनुमान जी क्या सिद्ध करते हैं? ये भौतिक दुनिया में अपना श्रम परिश्रम ये झगड़े में व्यर्थ मत गवाओ। क्या करो? हाँ भाई मुझे कुछ नहीं आता है, छोटे बन जाओ, अंदर जाओ बाहर निकल जाओ, ये हनुमान जी बताते हैं। तीसरी बात कौन मिले? तीसरा सिमिका। सिमिका वो क्या प्रतीत करती है? आपको एक उदाहरण देता हूं। एक कंटेनर था जो एक्सपोर्ट कंटेनर, न्यूजीलैंड अमेरिका लंदन के जाना, उसमें कंटेनर में केकड़े भरे हुए थे, केकड़े, केकड़े बताना क्रैप, केकड़े। तो कंटेनर के ऊपर ढक्कन नहीं डाला हुआ था, तो मैनेजर से एक व्यक्ति ने पूछा, केकड़े इतने टन टन में केकड़े जा रहे हैं, आपने ढक्कन नहीं डाला कि हवा के झोंके में उड़ ना जाए कोई, वो भी शिपमेंट है आपका? तो बोले केकड़ों के कंटेनर में ढक्कन डालने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एक केकड़ा ऊपर जाता है तो 100 खींच के नीचे लाते। सिमिका का यही गुण था, जो ऊपर से जा रहा है उसको परछाई पकड़ो और नीचे खींचो, अपने मुंह में डाल दो। भौतिक दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में भी ये आता है। अगर मैं प्रचार नहीं किया थाना में तो कोई भी करना नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छे से कर रहा है वो क्यों कर रहा है? मैं नहीं कर पा रहा हूं तो वो भी करना नहीं चाहिए। मुझे कीर्तन करने नहीं आता है तो कोई भी करना नहीं चाहिए, वो क्यों कर रहा है? वो भी मेरे से अच्छा क्यों कर रहा है? ये ईर्ष्या का लक्षण, और ईर्ष्या के कारण आज भी हम ये भौतिक दुनिया में हैं, भौतिक दुनिया में हैं। प्रभुपाद बताते हैं इस भौतिक दुनिया में ईर्ष्या करके कुछ मिलने वाला है आप लोग को। आगे वाले का शरीर भी थोड़े दिन के बाद भस्मभूत होने वाला है, हमारा भी शरीर भस्मभूत। तो नश्वर नाम ख्याति धन के ऊपर दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करके कुछ मिलने वाला है? दृढ़ निश्चय करना हो तो उसमें आप दृढ़ता दिखाओ। अरे मैं सिर्फ 16 ही माला कर रहा हूं, कभी आएगा कि मैं 100 माला करूं दिन प्रतिदिन? ऐसा कभी दृढ़ता आता है? हाँ महाराज जी बोल रहे थे दूसरों को खींचना, नीचे खींचना। इसलिए इसका उदाहरण हनुमान जी को देते हैं कि हनुमान जी उनके हृदय में गए, हृदय को विदीर्ण किए। ये ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या के कारण हम भगवान को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, और यही ईर्ष्या के कारण आज भी हम फंसे हैं ये भौतिक दुनिया में। सुंदरकांड का ये जो पाठ है हनुमान जी के जो उदाहरण से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैंने ये जो बताया आपको ये 1% भी नहीं है, वाल्मीकि रामायण में इतने विस्तार रूप से इसका वर्णन किया है। हम भाग्यशाली हैं उनके सानिध्य में हनुमान जी की लीला सुन रहे हैं, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? मेरा प्रश्न अभी, भाग्य तो अच्छा है हमने क्या सुना अभी वो तो सुनते हैं। हनुमान जी का वर्णन करिए प्रभु जी, एक वर्णन, जैसे वो छलांग मारे उनके साथ मैं बोलता हूँ, एक वर्चुअली कौन ड्रोन लेके और कैमरा लेके कौन बैठे थे? वाल्मीकि जी। हनुमान जी का वर्णन प्रभु जी, एक अंक का वर्णन कीजिए, फिर माताएं बताएंगे। चलिए, आग उनका दावानल के समान था, अग्नि के समान। ओके माताएं, बस एक आंख की चंद्रमा के जैसे, दूसरा आंख सूर्य के समान। ओके तीसरा,
आग का कलर, हाँ पिंगल, पिंगल वर्ण बोले तो माता जी ब्राउनिश रेड, ओके आग का हो गया। फिर कहाँ जाते हैं प्रभु जी? नाग, नाग किन सा कलर था माता है? लाल। उनका मुखमंडल कैसा कलर था? लाल था, वो नासिका का पूरा कलर मुखमंडल में, ओके माताएं। फिर कहाँ जाते हैं हम? दांत, दांत कैसे था? सफेद था, हो यानी ड्रोन में आप लोग भी बैठे थे वाल्मीकि जी के साथ, ओके सफेद हो गया, ओके चलेगा। फिर कहाँ जाते हैं? कमर के नीचे का रंग क्या था? लाल, वेरी गुड। फिर उनकी पूछ क्या प्रतीत हो रही थी, किसकी तरह प्रतीत हो रही थी? इंद्र के ध्वज के समान प्रतीत हो रही थी, वेरी गुड। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाल्मीकि जी का कैमरा और नीचे उनके परछाई में जाता है। माताएं, चौड़ाई कितना था परछाई का? 120। लंबाई कितना था? 350 किलोमीटर। हनुमान जी जब वहां जाते हैं, जाने से पहले क्या सोचते हैं? मैं माँ सीता को तो जानता नहीं, उनका फोटो भी नहीं है, लेकिन एक चीज समान है मेरे में और माँ सीता में, क्या? राम का नाम। ये राम का नाम संपूर्ण काम जरूर करेगा। अभी ये अंदर जाते हैं, कहाँ? लंका के अंदर जाते हैं, और कैसे एक दूत बनकर अंदर जाते हैं, प्रभु माँ सीता से कैसे मिलते हैं और कैसे उनको अपना परिचय देते हैं और लंका का लंका कैसे करते हैं और वापस कैसे आते हैं, हम अगले बार श्रवण और कीर्तन के जो महोत्सव में आके सुनेंगे। आज के लिए यहीं पे हम विराम करते हैं और समय है प्रभु जी फॉर चैंट।